मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है देखिए, मैं आप लोगों से टेलीग्राम पे पोल करवा के पूछी थी क्या आप सभी को टॉप 10 क्वेश्चन फ्री में चाहिए, तो लगभग 95% स्टूडेंट उसमें 95% स्टूडेंट जो बोले थे हाँ फ्री में चाहिए, मतलब अभी भी 95% ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक टॉप 10 क्वेश्चन नहीं खरीदे हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो बहुत ही कम कॉस्ट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ, अदर देन आप लोग कहीं से भी लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करना होगा, लेकिन अगर मेरे से लेते हैं तो सिर्फ 15 रुपया में आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाती हूँ टॉप 10 क्वेश्चन। तो आप लोग PDF प्लीज़ ले लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन फिर भी वैसे स्टूडेंट जो पे नहीं कर सकते किसी वजह से तो वो आप लोग इस वीडियो से देख सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो आप लोग बाय कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो चलिए देखिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा ना आप लोगों का। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए, आप लोगों को मैं बता देती हूँ जूलॉजी ऑनर्स में कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने सारे क्वेश्चन को आंसर देना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे के दिमाग में रहता है। तो सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। तो आप लोगों को सभी ग्रुप में से 2 क्वेश्चन बनाना होता है और 1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, आप लोगों को बनाना ही बनाना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को 5 दिया हुआ है, ओके आप लोगों को दिख ही रहा होगा, कोनासाइट, ट्रायोसाइट्स यही है, और क्या है गिल ऑफ यूनो, यही सब 5 है, इसमें से कोई 3 आप लोगों को इसका नोट्स बताना है, मतलब कि इसके बारे में सब कुछ लिखना है अच्छे तरीके से। देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन, और ये आप लोगों को बनाना ही बनाना है, इसमें आप लोगों को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है। चलिए देखिए अब ग्रुप ए में क्या है, आप लोगों को ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, एक्सप्लेन इट विथ रेफरेंस टू द लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया, और ये क्वेश्चन लिखिएगा ऊपर वाला, या फिर व्हाट इज एमोबाइसिस, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट कॉजिंग इंटेस्टिनल एमोलाइसिस इन मैन। ओके क्या है एमोलाइसिस इन मैन, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 ये है, लिख लीजिए आप लोग, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। ये और दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 2 में, ऊपर वाला और फिर और ये दिया हुआ है, तो आप लोग दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनाना होता है, दोनों नहीं बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ पॉलीएस्टोमेला। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और देखिए आप लोग जो बोलते हैं मुझे सभी टॉप 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूँ, तो देखिए मुझे जूलॉजी में बिल्कुल नहीं आता, जूलॉजी क्या बायोलॉजी डिपार्टमेंट का मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं आप लोगों को सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चन बाय करके लाई हूँ और आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ फ्री में। ओके चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोफेरा एंड क्लासीफाई इट अप टू द ऑर्डर गिविंग कैरेक्टर्स एंड एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन नंबर 4 ये है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय दिस, ओके एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट अलोंग विथ मेजर टू कंट्रोल इट। तो हम लोगों का ग्रुप ए का ये क्वेश्चन है। चलिए ग्रुप बी क्या है, 6 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड एफिनिटीज ऑफ पॉलीगॉर्जियस, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पैरासिटिक। देखिए आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ किस ग्रुप से कितना लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है और बाकी सभी ग्रुप से हम लोगों को दो दो क्वेश्चन बनाना है, दो ही क्वेश्चन था ना, एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। ओके मतलब कि आप लोगों को कम से कम 2 क्वेश्चन बनाना है, टोटल 5 क्वेश्चन बनाना होता है। ओके और देख लिए क्वेश्चन, ग्रुप ए का भी क्वेश्चन देख लिए, ग्रुप बी भी देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें। 7 नंबर देख लिए, 8 क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ बंगुला, क्या है बंगुला, और 9 है गिव एंड अकाउंट ऑफ टॉर्सियन एंड डेटोर्सियन इन गैस्ट्रोपोडा, और 10 नंबर क्वेश्चन है गिव एंड अकाउंट ऑफ जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस। देखिए मैं जूलॉजी ऑनर्स का टॉप 10 क्वेश्चन तो ये जो कि मार्केट में मिलता है वहाँ से लाई हूँ, और एक और टॉप 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगी, आप लोग दोनों देखिएगा और दोनों में से जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कॉमन मिलेंगे उसको अच्छे से कर लीजिएगा और बाकी सबको भी कर लेना है। ओके तो ये ग्रुप बी हो गया, और इस तरीके से हम लोगों का जूलॉजी ऑनर्स पेपर 1 का क्वेश्चन था। ओके जूलॉजी ऑनर्स पेपर 1 देख लिए, अब जूलॉजी ऑनर्स पेपर 1 में ये टॉप 10 क्वेश्चन दिखा दी, अब हम लोग जूलॉजी ऑनर्स पेपर 2 का टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। ओके चलिए जूलॉजी ऑनर्स पेपर 2 का टॉप 10 क्वेश्चन में है,
क्या है, आप लोग को वही बात 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोग इससे इसमें से कोई भी शॉर्ट नोट्स बताना है। बायोस्फीयर है, सॉइल नाइट्रिफिकेशन है, एसिड रेन है, स्टैंडर्ड एरर है, टाइगर प्रोजेक्ट है और ग्रास एंड कम्युनिटी है। और ग्रुप ए में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन इकोसिस्टम और गिव एंड अकाउंट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए डिजर्ट इकोसिस्टम। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज बायोस्फीयर, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन लाइफ। 4 व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, एनर्जेटिक्स। और 5 नंबर क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ द सोर्स एयर पोल्यूशन एंड द मेजर्स टू कंट्रोल इट। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ तो आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उस पर स्किप ऐड पर क्लिक मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक काम आप लोग मेरे लिए कीजिएगा और जूलॉजी ऑनर्स के जितने भी फ्रेंड्स होंगे ना, सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ओके। और देखिए क्या है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम एनर्जेटिक्स। और 5 नंबर क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ द सोर्स एयर पोल्यूशन एंड द मेजर्स टू कंट्रोल इट। और व्हाट इज मतलब कि ये देख लीजिए। और ग्रुप बी क्या है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नड बिहेवियर इन एनिमल। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 नंबर और को दिख तो आराम से अच्छे से रहा होगा। 8 नंबर क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बताना है अच्छे तरीके से। और यही सब है, क्वेश्चन पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा। चलिए ये आप लोगों को, ये टोटल 10 क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख लिए, टॉप 10 क्वेश्चन, ओके। अब मैं आप लोगों को जो टॉप 10 क्वेश्चन दिखा रही हूँ वो किसी कहीं और से मैं व्यवस्था की हूँ और आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ, चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए ये टॉप 10 क्वेश्चन भी देख लीजिए, किसका है, जूलॉजी ऑनर्स का ही है टॉप 10 क्वेश्चन। तो आप लोग इसको भी देख लीजिए और दोनों में जो भी कॉमन मिलेगा उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे कि मुझे दिख रहा है एक कॉमन ये वाला, उसमें भी मैं पढ़ी थी, ये जो था ना क्या है बुगुला, ये वाला इसमें भी था। देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा बायोलॉजी का, तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग अपना लिख लीजिएगा, मैं आप लोग को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ। चलिए देखिए क्या है, पहला डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड एफिनिटीज ऑफ होमी क्या है, हॉर्मीफोरा। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द, ऐसे ही दिखेगा सही से, हाँ, नेमाटोडा पैरासाइट कॉजिंग फिलेरिया इन मैन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिव अ ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरिया अप टू ऑर्डर विथ कैरेक्टर एंड एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पैरासाइट कॉजिंग द कालाजार। 5 नंबर क्या है, डिस्कस द एफिनिटीज ऑफ बेलोनोग्लोसस। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द पैरासिटिक कैस्ट्रेशन एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्विलेना। और ये भी था क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो भी उस टॉप 10 क्वेश्चन में था। और 7 नंबर क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड एफिनिटीज ऑफ पॉलीगॉर्जियस। 8 नंबर क्या था, डिस्क्राइब द फेनोमेनन ऑफ टॉर्सियन एंड और क्या है डेटोर्सियन इन गैस्ट्रोपोडा। और 9 नंबर क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ बंगला। और 10 राइट नोट्स ऑन द राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। और देखिए मैं आप लोगों को ये जो नोट्स दिया हुआ है ना, ट्राइकोसाइट्स, उसमें भी दिया हुआ था राइट शॉर्ट नोट्स में और इसमें भी दिया हुआ है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ओके। ये क्या था हम लोग का जूलॉजी ऑनर्स पेपर 1 का था, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए देखिए अब जूलॉजी ऑनर्स पेपर 2, देखिए इसमें भी पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इकोसिस्टम। और मैं जो आप लोगों को बताई थी उसमें भी क्या था, डिफाइन इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन था। और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द टिपिकल डिजर्ट इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिस्कस द हैजार्ड ऑफ एयर पोल्यूशन विथ रिफरेंस टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ओके, मैं बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करती। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना नहीं आता होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को सिखा दूंगी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। अगर ये एग्जाम में आता है तो समझिए ये फ्री का नंबर है, क्योंकि इससे ईजी आप लोग को ये जो इतना पता नहीं बायो का बहुत सारा मतलब कि ये जो है फ्लो चार्ट बनाना ये सभी तो बहुत ही हार्ड होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत ही ईजी है, ओके। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी आएगा आप लोगों के एग्जाम में। और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट है, प्राइमरी कंज्यूमर, एनर्जी फ्लो, O2 साइकिल। तो ये हम लोगों का क्या था, ये हम लोगों का था जूलॉजी ऑनर्स पेपर 2 का, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो हम मैं आप लोगों को जूलॉजी ऑनर्स पेपर 1 के और जूलॉजी ऑनर्स पेपर 2 के टॉप 10 क्वेश्चन एक जो कि मार्केट में मिलता है, जो कि मैं बाय करके लाई हूँ, आप लोगों को दी हूँ, और ये भी मैं कहीं ना कहीं से लाई ही हूँ,
आप लोग के लिए, तो आप लोग इसको देख लीजिए। और अगर ये सभी देख लेते हैं तो फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और क्वेश्चन बैंक को ज़रूर पढ़िएगा, उसको आप लोग इसी तरीके से नहीं छोड़िएगा। और ऐसे भी आप लोग अगर 2 साल के बाद एग्जाम हो रहा है तो आप लोग का क्वेश्चन बैंक कम्प्लीट होगा, इतना तो मुझे पता ही है। और अगर क्वेश्चन बैंक कम्प्लीट होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को आता ही होगा। तो चलिए देखिए, आप लोग यही सब क्वेश्चन की तैयारी कीजिए और देखिए एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन आता है। उम्मीद करते हैं यही सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोटनी सब्सिडरी का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगी, ओके। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग 15 रुपया पे करके मुझसे ले सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, हाँ यही दोनों आप लोग के लिए सही होगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।